हेलो गाइस, वेलकम इन क्यू फिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे पास एलजी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के एक पीसीबी है, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि ये कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, और साथ में इसमें 6 टाइम ब्लिंकिंग का जो एरर है वो यहाँ पे इस यहाँ जो रेड कलर की लाइट लगी है आईपीएम की तरफ, ये 6 टाइम ब्लिंकिंग एरर शो कर रही है। तो हमें आज इसे देखना है कि ये रिपेयर होता है या नहीं। और आप देखेंगे कि मैंने इसमें सारे कनेक्शन कर दिए हैं, आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे इसकी 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इनपुट कर दी है। ओवरलोड की जगह मैंने यहाँ पे एक जम्पर लगा दिया है, और सेंसर की जगह मैंने ये रेजिस्टेंस का यूज़ किया है, क्योंकि बिना सेंसर के ये जो पीसीबी है ये ऑपरेट नहीं होती है। और अभी मैं एक बार आपको सप्लाई लगा के दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी मैंने इसमें सप्लाई लगा दी है, आप देखेंगे कि यहाँ पर 240 वोल्ट के आसपास जो सप्लाई है वो यहाँ पे इसको मिल रही है। और इसके कैपेसिटर पर हम डीसी सप्लाई चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 332 वोल्ट हमें डीसी सप्लाई मिल रही है शंट रेजिस्टेंस पर और इस पॉजिटिव रेजिस्टेंस पर। और अभी हम इसके एक बार चालू करके देखते हैं एक बार इसको, ये टेस्ट का बटन है, इसको दबाएंगे तो कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट मोड है ये इसका, और जैसे ही मैंने इसको बटन को दबाया इसने 2 बार बजर की आवाज़ आई, और उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट होने की कोशिश करता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। फिर ये जो एरर है वो आपके सामने है, ये एरर आ जाता है इसके अंदर। 2, 3, 4, 5, 6, तो आप देखेंगे 6 टाइम ये है ब्लिंक कर रहा है। कंपनी के हिसाब से जो एलजी का पीसीबी है, तो एलजी कंपनी के हिसाब से इसका जो 6 टाइम ब्लिंक करने का जो एरर का जो कोड है वो है ओवर करंट सर्किट प्रोटेक्शन, मतलब कि ये ओवर करंट के चक्कर में प्रोटेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये है कहने का मतलब। तो अभी मैंने इसके जो वोल्टेजेस है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पे 1 7 8 0 5 यहाँ लगा रेगुलेटर और 1 7 8 0 5 यहाँ लगा हुआ रेगुलेटर। ये जो 7 8 0 5 लगा हुआ है ये इस प्रोसेसर को चलाने के लिए है, और यहाँ पे जो 7 8 0 5 लगा हुआ है वो इस माइक्रो कंट्रोलर को चलाने के लिए लगा हुआ है। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पर अपन वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो आप देखेंगे इसके 7 8 0 5 के जो वोल्ट है इनपुट में हमें 5.8 वोल्ट मिल रहे हैं और आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। ये आईपीएम के वीसीसी सप्लाई है जो कि 15 वोल्ट यहाँ पे बन रही है, और ये यहाँ के 5 वोल्ट है जो इस माइक्रो कंट्रोलर को रन करते हैं, और ये जो है ये इसके रैम के कोर वोल्टेज हैं 1.5 वोल्ट जो कि इसको मिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं शंट रेजिस्टेंस, इसकी जो ड्राइव सर्किट है मतलब इसका जो करंट का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर 358 नंबर की एक 8 पिन की आईसी लगी है, जिसका रेफरेंस वोल्टेज इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 3 पे आता है जो कि 1 से 2.5 वोल्ट तक हो सकता है। तो अभी हम इसके माइक्रो कंट्रोलर के 3 नंबर पिन पे चेक करते हैं कि ये रेफरेंस वोल्टेज इसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये मैंने 3 नंबर पे लगाया, तो आप देखेंगे यहाँ पर डीसी 2.5 वोल्ट की सप्लाई में मिल रही है जो कि ठीक है। तो अभी मैंने इसको चेक किया है पूरा ऑलरेडी, तो मुझे ये जो आईसी है इसके ऊपर डाउट हो रहा है कि ये आईसी ख़राब है बोल करके, माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है बोल करके। तो अभी हम इसके अंदर ये सारी जो रेजिस्टेंस है ये सब मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो अभी हम ये आईसी चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो हमारा फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं। तो बने रहें वीडियो के साथ। तो अभी सबसे पहले इस आईसी को निकालना होगा हमें, तो निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसमें फ्लक्स अप्लाई कर देता हूँ। इसका प्लग निकाल देते हैं, पहले प्लग निकाल चुका हूँ मैं, और अब इसमें ये फ्लक्स अप्लाई करते हैं हम, और हॉट गन को 380 डिग्री पे रखना है एसएमडी को, और इस आईसी पर हीट देना है।
तो आप देखेंगे ये आईसी मैं निकाल ली है, ये देख सकते हैं आप आईसी माइक्रो कंट्रोलर 30 पिन की है, और इसका जो नंबर है वो है TMPM375FSDMG। ये 30 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है, 32 बिट का, और इसकी जो रैम कैपेसिटी है वो 64 KB की है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस एरिया को साफ़ करते हैं और मैं आपको नई आईसी दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये मेरे पास एक आईसी है माइक्रो कंट्रोलर, इसका सेम नंबर है, नंबर आपको दिखेगा नहीं फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ अगर आपको दिख जाए तो। तो आप देखेंगे TMPM375, ये जो आईसी है सॉरी माइक्रो कंट्रोलर है, इसको अभी हम इसमें लगाने वाले हैं। तो अभी ये इसको मैं बिठा देता हूँ पहले अच्छे तरीके से। तो इसका जो डॉट है उसको ध्यान में रखना है कि वो पिन नंबर एक पर ही रहना चाहिए, अगर आईसी उल्टी लग जाएगी तो आईसी खराब हो जाएगी। तो अभी आईसी जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गई है अपनी जगह पर, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सही तरीके से लगी है नहीं। तो आप देखेंगे कि ये आईसी जो है वो लग चुकी है अपनी जगह पर, और इसकी एक पिन जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो चुकी है, तो मैं इसको सीधी कर लेता हूँ पहले। ये इसकी 15 नंबर की पिन है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है इसकी पैकेजिंग में, इसको सीधी कर लेता हूँ और फिर हम इसको एक बार चला के देखेंगे कि ये सही होता है या नहीं होता है। जी अब बिल्कुल ठीक है, तो अभी आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है हमारी आईसी, ये रही बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है। तो अब हम इसे एक बार सप्लाई देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं इसको पहले, और इसमें एक बार सप्लाई दे के चेक करेंगे कि ये हमारा जो है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो अभी सबसे पहले मैं इसको एक बार सप्लाई दे दी है, सप्लाई देने के बाद टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे और अब आप देखेंगे हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो गया है और ये कंप्रेसर है हमारा। तो आप देख सकते हैं जो 6 टाइम ब्लिंकिंग एरर होता है वो पीसीबी से भी हो सकता है, नहीं तो ज़्यादातर केस में कंप्रेसर जो है वो सीज हो जाता है, इस वजह से वो 6 टाइम ब्लिंकिंग एरर दिखाता है। तो आपने देखा इस तरीके से ये जो पीसीबी है वो भी बिल्कुल ओके हो गई है, या आईसी चेंज करने से ये जो फॉल्ट है वो हमारा क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।